विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चौकी में 15 लाख से बने राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र चौकी कलूणा के भवन का लोकार्पण किया। इतना ही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने 705 लाख से बनने वाली पनियाली से कोलरू घुम्मू गलूही और कलूणा सड़क के काम का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार आम आदमी की सरकार है और तमाम मूलभूत सुविधाएं गांव तक उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि उठाऊ पेयजल योजना चौकी जोना और क्यारवा का काम 305 लाख रुपए से किया जा रहा है। इसमें 6 टैंकों के साथ नई पंपिंग मशीनरी भी लगाई जाएगी। विपिन सिंह परमार ने बताया कि चौकी जोना और क्यारवा में पेयजल वितरण प्रणाली के सुधार लाने के लिए भी 1,73,00,000 रुपए खर्च कर सभी पुरानी पाइपों को बदल दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि दान देने वाली गायत्री देवी को सम्मानित भी किया कि हमारा ये इलाका भी सुविधाओं के साथ जुड़े, इसलिए ये इलाका सुविधाओं के साथ जुड़े तो इस काम को पूरा करने का अंजाम इस इलाके के लोगों ने विश्वास के रूप में हमें जो दिया है, आज वो पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज जहां पर भूमि पूजन हुआ, ये कोई फोका भूमि पूजन नहीं है, ये 7,04,00,000 रुपया एक्सचेंज पीडब्ल्यूडी बभारना के खाते में पहुंच गया है। ये भी मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमारी अतीत की परंपराएं कुछ ऐसी रही है। इस इलाके को अगर विकास के उस शिखर पर ले जाने का काम किया है, अगर इस इलाके को सड़कों के साथ जोड़ने का काम किया है, इस इलाके में पीने के पानी के लिए प्रबंधन की व्यवस्था की है, बिजली का प्रबंधन किया है, शिक्षा के बारे में चिंता की है, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी की अतीत की हुकूमतें याद आ रही हैं। अतीत की हुकूमतें मुझे याद आ रही हैं। अगर आज आपके यहां पर सुंदर भवन का उद्घाटन हो गया, कलूणा में आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर बन गया और आज इसका उद्घाटन हो गया, आप गवाह हैं, हम गवाह भी साथ में रखना चाहते हैं। ये गवाह इसलिए साथ में रखना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी जब कभी आपसे पूछेगी कि 17 तारीख 2022 को, 17 अप्रैल 2022 को इस भवन का लोकार्पण हुआ था, और आपसे तब ये बच्चे, आने वाली पीढ़ी आपसे प्रश्न कर सकती है, किसकी हुकूमत थी, किसका शासन था, किसका तंत्र था, तो आप ये कह सकें कि ये आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हमें भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने दी थी और इसका लोकार्पण भी भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय हुआ है। यह भी मैं इसके लिए आपको बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पालमपुर से जयदीप रिहान की रिपोर्ट। जीवन साथी तलाश रहे हैं तो डाउनलोड करें himachalirishta.com मोबाइल ऐप। हिमाचल की अपनी मैट्रिमोनियल ऐप हिमाचली रिश्ता 5 सालों में अब तक बसा चुकी है हजारों लोगों के घर। himachalirishta.com पर एक जगह देखें 1.5 लाख से ज्यादा लड़के लड़कियों के प्रोफाइल, तो देर ना करें, अभी इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या फिर इन नंबरों पर संपर्क करें।